तो याद रखिए, आपकी ई दृष्टि जो समसामयिक की घटना चक्र है, वार्षिक अंक, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आपका राष्ट्रीय परिदृश्य हम लोग खत्म कर चुके हैं, और ये सभी क्लासें जो खत्म होती जा रही हैं उन्हें हम समसामयिक घटना चक्र वार्षिक अंक के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनाई हुई है उसी में डाल देता हूँ, ठीक है? वहां जाकर देखते रहिए। तो इस क्लास में कोशिश करूंगा कि इसी में आपका विधिक परिदृश्य इसी में खत्म कर दिया जाए, ठीक है? उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे विधिक परिदृश्य के बाद। आप सभी जानते हैं कि हमारा अगला टॉपिक होगा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, ठीक है? और याद रखिए, आपका 2 से 4 दिन में मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा इसे, क्योंकि पूरा टाइम इसी बुक्स को खत्म करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? सब कुछ छोड़कर, क्योंकि आपने देखा है आपका सिविल सर्विस का पेपर है, उसके बाद आपका यूपीपीसीएस का पेपर है, तो और भी जो आगे आने वाले एग्जाम होंगे उनके सभी के लिए करंट बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। विशेषता ये आपकी एक तरह से कहिए कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए ये बुक्स लिखी जाती है, ठीक है? विधिक परिदृश्य, तो सबसे पहले राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की विधिक घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आया हुआ है, इसे देख लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को 30 जुलाई 2019 को लोकसभा में और 6 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पारित किया गया। इसे 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है। याद रखिए, विधेयक तब तक कहलाता है जब तक आपका राज्यसभा में रहे और लोकसभा में रहे। जैसे ही इस पर राष्ट्रपति की सहमति मिलती है यानी कि हस्ताक्षर होते हैं, ये अधिनियम में बदल जाता है। तो इसे जो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक रहा होगा पहले 30 जुलाई 2019 को लोकसभा में पारित हो गया था, फिर देखा आपने 6 अगस्त को ये राज्यसभा में पारित हो गया 2019 में ही, और 9 अगस्त 2019 को ही राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है। इसी एक बात और आपको बता दूं, यहां हम लोगों ने जो 2019 का करंट अफेयर्स पढ़ा था, इसी ई दृष्टि का जो घटना चक्र का करंट अफेयर्स आया था, उसमें भी ये टॉपिक आपके शामिल किए गए, क्योंकि आपने देखा है यूपीपीसीएस का पेपर दिसंबर में हुआ था, तो आपका अक्टूबर नवंबर तक की घटनाएं सभी सम्मिलित की गई थी उसमें। तो मुझे लगता है कि इस बार आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से कुछ ज्यादा हो नहीं पाया, तो इसलिए आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि पुराना करंट पूछ सकता है। तो आप अगर पूछे, अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ लेना चाहिए, तो उससे जाकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? वहां भी देख सकते हैं। 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया। कब से? 20 जुलाई 2020 से। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित करेगा, यानी कि किसका स्थान लेगा ये? जो पुराना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था इसी का स्थान ले लेगा। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उसके संरक्षण और प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि सीसीपीए की स्थापना करना शामिल है इसमें, ठीक है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण या उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों का विनियमित करेगा। उपभोक्ता का मतलब आप लोग सीधा समझिए, हम लोग उपभोक्ता तो हम ही होते हैं जो हम लोग उपयोग करते हैं, उपभोक्ता हो गए, ठीक है? एक सीधी सी परिभाषा आप लोग खुद को समझ लिया करिएगा। सीसीपीए के पास महानिदेशक के नेतृत्व में एक जांच विंग होगी जो इस तरह के उल्लंघन की पूछताछ या जांच कर सकती है। झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए सीसीपीए किसी निर्माता या प्रष्टाकरणकर्ता पर 10 लाख तक का जुर्माना या 2 वर्ष तक का कारावास आरोपित कर सकता है। बाद के किसी अपराध के लिए जुर्माने की राशि 50 लाख रुपए तथा 5 वर्ष की कारावास की सजा हो सकती है। अधिनियम के तहत उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। एक उपभोक्ता इन आयोगों में शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर आपको भी कोई वस्तु अगर इस तरह की मिलती है, उसमें गड़बड़ी पाई जाती है, तब आप भी इस पर शिकायत कर सकते हैं, ठीक है? दर्ज करा सकते हैं अपनी, जैसे आपकी एक्सपायरी डेट खत्म होने के बाद कोई अगर सामान बेच रहा है या कहीं मिलावट का काम कर रहा है, तो उसमें आप भी इसके दर्ज करने लायक हैं, ठीक है? मतलब एक तरह से योग्य है। अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष होगी, अंतिम अपील होगी जो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होगी। राष्ट्रीय स्तर की CDRC द्वारा 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाली वस्तुओं और एवं सेवाओं से संबंधित शिकायतों पर विचार किया जाएगा। राज्य स्तर की CDRC द्वारा 1 करोड़ रुपए से अधिक और किंतु 10 करोड़ रुपए से कम मूल्य तक, और जिला CDRC की बात करें तो 1 करोड़ रुपए से कम मूल्य वाली सेवाओं एवं वस्तुओं की शिकायतों पर विचार किया जाएगा। तो 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जो केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर बनी है
वो इस पर शिकायत विचार करेगी और राज्य स्तर 1 करोड़ से अधिक किंतु 10 करोड़ रुपए से कम में देखभाल करेगी, और जो जिला स्तर पर बनाया गया एक करोड़ रुपए से कम मूल्य वाली वस्तुओं और सेवाएं जो भी रहेंगी इस पर शिकायत पर विचार किया जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा है कि बैंकिंग विनियमन अध्यादेश 2020 आया था, संशोधन अध्यादेश 2020। यहाँ अध्यादेश का एक मतलब सीधा याद रखिए, आर्टिकल 123 के तहत, यानी कि आर्टिकल 123, 123, 123 के तहत जब आप देखते हैं कि सत्य सदन का सत्य नहीं चल रहा होता, उस समय राष्ट्रपति या राष्ट्रपति को लगे कि जरूरी है कोई अध्यादेश लाना तो लाते हैं, लेकिन इसका बाद में पास भी करवाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन पहले अध्यादेश जब तक रहेगा ये वैसे ही अधिनियम जैसे ही इसमें सभी उतनी ही अधिकार होगा। देश में लगातार खराब होती सरकार सहकारी और व्यवसायिक बैंकों की स्थिति में सुधार के लिए केंद्र सरकार हर संभव उपाय कर रही है। वर्तमान में बैंकों को एनपीए भी लगातार बढ़ रहा है, जिसमें कई बैंक दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए हैं। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 जारी किया गया है। 26 जून 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैंकिंग विनियमन अध्यादेश 2020 जारी किया है, संशोधन अध्यादेश 2020 जारी किया है। यह अध्यादेश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन प्रस्तावित करेगी, जो 1949 का है ना, इसलिए संशोधन करेगी इसमें। यह अध्यादेश सहकारी बैंकों के प्रशासन को सुधार कर उन्हें मजबूत करने का प्रावधान करता है। यह अध्यादेश प्राथमिक कृषि ऋण संस्थाओं तथा उन संस्थाओं पर लागू नहीं होता है जिसका प्रमुख उद्देश्य कृषि विकास के लिए लंबी अवधि का ऋण प्रदान करना है। वैसे भी आप जानते हैं कि किसान होते हैं तो वो अपना कर्ज चुका देते हैं लगभग, और छोटे, देखिए छोटे कर्जदार हमेशा अपना कर्ज चुकाते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो जब होती है कि आप देखते हैं कि कोई 4,000 करोड़ लेकर भाग जाता है, कोई 5,000 करोड़ लेकर भाग जाता है, तब आपको देखती प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आप सोचिए अगर 10,000 आप ऋण ले लेते हैं बैंक से तो आपको चुकाना पड़ता है, हम आप जैसे मीडियम या गरीब लोग अगर नहीं चुकाते हैं तो आप देखते हैं कि वो कितनी पेशा डाल देते हैं। अध्यादेश सहकारी बैंकों के मामलों में भारतीय रिजर्व बैंकों की शक्तियों का को विस्तार देता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक किसी बैंक के ऋण स्थगन के लिए आवेदन कर सकता है, और ऋण स्थगन के दौरान 6 माह तक बैंक पर कोई विधिक कार्रवाई नहीं की जाती है। अध्यादेश द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि इस दौरान बैंक कोई ऋण आवेदन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही ऋण समिति कोई निवेश करेगा। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक 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 के पुनर्निर्माण या फिर सम्मिलन के लिए कोई योजना ला सकता है। आपको बताना है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, किस डेट को हुई थी, किस अधिनियम के तहत, आप नीचे लिखिए, इतना तो आप लोग सर्च करके बता सकते हैं ना। फिर बात करते हैं अनिवार्य वस्तुएं संशोधन अध्यादेश 2020। COVID-19 के दौरान किसानों की खरीद बिक्री में बाधाएं तथा अत्यधिक विनियामक हस्तक्षेप में बढ़ोतरी हुई है। इससे किसानों और उपभोक्ताओं के साथ साथ व्यवसायियों की समस्याएं बढ़ी हैं। इन कठिनाइयों को दूर करना आवश्यक हो गया था, इसी के मद्देनजर यह अध्यादेश जारी किया गया है। कौन सा? अनिवार्य वस्तुएं संशोधन अध्यादेश 2020। राष्ट्रपति द्वारा 5 जून 2020 को आवश्यक वस्तुएं संशोधन अध्यादेश 2020 जारी किया गया। कब? 5 जून को। आप लोग बताइए 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं, और 5 जून इससे भी याद रख सकते हैं आप लोग 5 जून की। ठीक है, इस अध्यादेश द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। अधिनियम 1955 केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं में उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करने का अधिकार भी देता है। अध्यादेश कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए नियामक प्रणाली को उदार बनाना है। कुछ वस्तुएं जैसे दाल, अनाज, आलू, प्याज, खाद्य तेल और तेलों सहित खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को केवल असामान्य परिस्थितियों में ही केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। युद्ध, अकाल, असामान्य मूल्य वृद्धि और गंभीर प्राकृतिक आपदाएं असामान्य परिस्थितियों में सम्मिलित हैं। अध्यादेश में प्रावधान है कि विशिष्ट वस्तुओं की स्टॉक सीमा मूल्य वृद्धि पर आधारित होगी। उल्लेखनीय है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार विशिष्ट वस्तुओं का स्टॉक केंद्र सरकार नियंत्रित करती है। ठीक है, विशिष्ट शक्तियां भी आप सुनते रहते हैं उसी तरह, ये क्या कौन सरकार, केंद्र सरकार नियंत्रित करती है। फिर आपने देखा होगा किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा, मूल आश्वासन पर समझौता और कृषि सेवाएं अध्यादेश 2020
और फिर है कृषि उपज व्यापार एवं विपणन संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020। ये जो विधेयक थे आप समझिए लॉकडाउन के समय लाए गए थे, लेकिन अभी आपने देखा ये पास हुए तो कितना विरोध हो रहा है, कई राज्य जल भी गए हैं, आप देख रहे हैं किसान आंदोलन भी कर रहे हैं, तो उनका अपना आंदोलन है। ठीक है, तो इन्हें देख लेते हैं हम लोग। COVID-19 काल में अनेक गतिविधियों के बंद होने के कारण जब कृषि एवं समृद्ध गतिविधियों की पारिस्थितिकी का निरीक्षण करने पर सुधार प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता प्रतीत हुई, तो इसके फलस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा दो अध्यादेश जारी किए गए हैं। राष्ट्रपति ने 5 जून 2020 को कृषि उपज व्यापार एवं विपणन अध्यादेश, संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 और किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा मूल्य आश्वासन पर समझौता और कृषि सेवाएं अध्यादेश 2020 जारी किया था। ठीक है, इन दोनों को, कृषि उपज व्यापार एवं विपणन संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार कानूनों के तहत अधिसूचित बाजारों के बाहर किसानों की उपज के अवरोध मुक्त व्यापार को सुलभ बनाता है। यह अध्यादेश राज्य में एपीएमसी अधिनियमों पर भी प्रभावी होगा। यह अध्यादेश निर्दिष्ट व्यापार क्षेत्र में किसानों की उपज के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की अनुमति भी देता है। किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा मूल्य आश्वासन पर समझौता और कृषि सेवाएं अध्यादेश 2020 कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद के संदर्भ में किसानों के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। कहा जा रहा है कि इसलिए अध्यादेश लाए जा रहे हैं कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर जाएगी, तो कहते हैं कि इस तरह के अध्यादेश लाने से हो सकता है कि इनसे कोई प्रभाव पड़े, समझ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। और वैसे तो हमारा ये समझिए एक हमारे पहले से ही चला आ रहा है कि हम लोग जो लक्ष्य समय निर्धारित करते हैं वो हम टाइम पर उसे मतलब पूरा नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हैं। तो अब 2022 तक देखते हैं कि प्रधानमंत्री साहब का कमेंट क्या रहता है। अध्यादेश के प्रावधान सभी राज्य एपीएमसी कानूनों पर प्रभावी होंगे। अध्यादेश किसी भी कृषि उपज के उत्पादन से पहले एक कृषि समझौते का प्रावधान करता है जिसका उद्देश्य प्रायोजकों को कृषि उत्पाद बेचने में किसानों को सुविधा प्रदान करता है। एक प्रायोजक व्यक्ति, फर्म, कंपनियां, सीमित देयता समूह और सोसाइटी शामिल है। कृषि समझौते की अवधि न्यूनतम एक कृषि मौसम या फिर एक मवेशी उत्पादन चक्र के लिए तथा अधिकतम 5 वर्षों के लिए होगी। ठीक है, इसे इनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है तो इसके बारे में भी हमने विस्तार से बात की हुई है, तो करंट टॉपिक जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसमें यही क्लास है जो करंट में टॉपिक जो भी रहता है उन्हें हम लोग कवर करते रहते हैं। फिर आपने देखा है महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020। COVID-19 महामारी की शुरुआत में जांच प्रक्रिया के दौरान कई बार स्वास्थ्य कर्मियों को हमले का सामना करना पड़ा। दिन भर सेवा भाव से काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का उत्पीड़न हुआ है। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार को इस अध्यादेश की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि आपने देखा है कई शहरों में डॉक्टरों को पीटा गया जब वो इस तरह का इलाज करने के लिए या टेस्टिंग करने के लिए पहुंचते थे तो लोग वहां के पीटते थे, समझ रहे हैं आप लोग, तो इसीलिए एक अध्यादेश लाए गए। याद रखिए हमेशा अध्यादेश अधिनियम के बराबर ही ताकतवर होता है, कोई फर्क नहीं होता है, बस इतना फर्क होता है कि इसे आगे चल के पास करवाना होता है राज्यसभा और लोकसभा में, समझ रहे हैं आप लोग। 22 अप्रैल 2020 को राष्ट्रपति द्वारा महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 जारी किया गया। कब? 22 अप्रैल 2020 को। यह अध्यादेश महामारी रोग अधिनियम 2000 अधिनियम माफ करिए यह अध्यादेश महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करता है। ये 1857 कब की बात की जा रही, अंग्रेजों के समय की, जब हम गुलाम थे एक तरह से, हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उस समय का कानून था ये, समझ रहे हैं, अधिनियम 1857 में इसमें संशोधन करता है। अधिनियम 1857 में खतरनाक महामारियों की रोकथाम से संबंधित प्रावधान है। अध्यादेश अधिनियम 1897 में संशोधन करता है जिससे कि महामारी के दौरान सेवा कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा का प्रावधान किया जा सके और ऐसी बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार किया जा सके। अध्यादेश महामारी के दौरान देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों और उनकी संपत्ति के संरक्षण का प्रावधान भी करता है। उनकी यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों, उनकी जो भी संपत्ति, इसे नुकसान नहीं पहुंचाने का एक तरह से आश्वासन है। अध्यादेश द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों और उनकी संपत्ति पर हमले को संज्ञेय और गैर जमानतीय अपराध बनाया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध हिंसक कार्य में जीवन या फिर काम की स्थितियों को प्रभावित करने वाले कार्य, जीवन को क्षति या फिर चोट आदि पहुंचाने, कार्य कर्तव्यों के पालन में बाधा उत्पन्न करना, स्वास्थ्य कर्मियों की संपत्ति को क्षति पहुंचाना आदि शामिल है। क्लिनिकल अवस्थापना
क्वारंटाइन केंद्र, मोबाइल मेडिकल यूनिट और अन्य ऐसी संपत्ति जिसमें स्वास्थ्य सेवा कर्मी का हित संबंध है आदि संपत्ति में शामिल है आपके। अध्यादेश द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध गंभीर क्षति कारण हिंसक कार्य के लिए 6 माह से 7 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान भी है। कहने का मतलब है कि अगर हम या आप में से कोई इस तरह की जो भी एक कर्मिक है, यानी कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनकी संपत्ति या उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं हम लोग, तो 6 माह से 7 साल तक की कारावास हो सकता है और 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी आप पर लगाया जा सकता है। जबकि स्वास्थ्य सेवा कर्मियों उनकी संपत्ति को सामान्य रूप से नुकसान पहुंचाने पर 3 महीने से 5 वर्ष तक का कारावास और 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, याद रखिए। स्वास्थ्य कर्मियों अथवा उनकी संपत्ति को क्षति पहुंचाने पर दोषी व्यक्तियों द्वारा मुआवजे का भुगतान करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर हम नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें, तो मुआवजे को भुगतान सरकार नहीं करेगी, हमें करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? मुआवजे का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा, यानी कि अब न्यायालय निर्धारण करेगा कि कितना मुआवजा हमें देना है। समझ रहे हैं? मुआवजा क्षति के बाजार मूल्य का दुगना होगा। आप समझ रहे हैं आप लोग? मुआवजा क्षति के, यानी कि जो नुकसान अगर 10,000 का हुआ है, तो बाजार में मतलब 10,000 की वो चीज थी, उसे हमने तोड़ दिया या जला दिया, कुछ भी कर दिया, तो हमें उसका दोगुना देना पड़ेगा। समझ में आया आपको? दोषी व्यक्तियों द्वारा मुआवजा न चुकाने की स्थिति में मुआवजे की वसूली राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के अंतर्गत भू राजस्व बकाए के रूप में की जाएगी, यानी कि हमारी संपत्ति भी जब्त हो जाएगी अगर हम नहीं चुकाएंगे तो। पंजीकृत मामलों की जांच निरीक्षक या उसके उच्च रैंक वाले पुलिस अधिकारी द्वारा FIR पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। मुकदमे का विचारण 1 वर्ष के भीतर समाप्त करने के का प्रावधान भी किया गया है। निवारण समाप्ति में 1 वर्ष से अधिक समय लगने पर न्यायाधीश को विलंब का कारण लिखना होगा और विलंब की दशा में विचारण अवधि मात्र 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। अब बात करते हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 2020। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 2020, आप जानते हैं संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और 16 मार्च 2020 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है। 20 दिसंबर 2019 को किसमें? लोकसभा में, और 16 मार्च 2020 को राज्यसभा में। A 19 है और A 20 है, याद रखिए। यह अधिनियम संस्कृत भाषा को पुनर्जीवित करने के लिए संसद द्वारा पारित किया गया है। अधिनियम द्वारा 3 मानद विश्वविद्यालयों को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। मुझे तो लगता है इस तरह से पुनर्जीवित करने के लिए संस्कार और हमारी संस्कृति को भी पुनर्जीवित करने के लिए कोई अध्यादेश, कोई अधिनियम लाया जाना चाहिए। समझ रहे हैं? जो मानवता के लिए, या कहिए आप लोग इंसानियत के लिए, इस तरह के अध्यादेश भी आना चाहिए। समझ रहे हैं? क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि एक तरह से मानवता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, ये पूरी तरह से इंसानियत खत्म होती जा रही है। तो इसके लिए भी मुझे लगता है कि एक अध्यादेश आ जाना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये 12 दिसंबर 2019 को लोकसभा में, 16 मार्च 2020 को राज्यसभा में पारित किया गया। 25 मार्च 2020 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह विधेयक अधिनियम बना है। आप जानते हैं कि पहले विधेयक कहलाता है, जैसे ही राष्ट्रपति साहब आपका सिग्नेचर करते हैं, स्वीकृति देते हैं, वो अधिनियम बन जाता है। तो 25 मार्च 2020 को राष्ट्रपति साहब की अनुमति मिल चुकी है। अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, इसे भी याद रखिए, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। कौन कौन सा? राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली, ये भी नई दिल्ली में, और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति, ये तीनों को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। इन विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा के अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान को प्रोत्साहन किया जाएगा। संस्कृत भाषा के ज्ञान के प्रसार तथा संस्कृत भाषा को और अधिक उन्नत बनाने पर जोर भी दिया जाएगा। मानविकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के एकीकृत पाठ्यक्रम का विशेष प्रावधान उक्त तीनों संस्थानों के लिए किया गया है। अधिनियम संस्कृत भाषा उसके समर्थ विषयों के समग्र विकास एवं संरक्षण के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने का प्रावधान भी करता है। उक्त संस्थान पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी करेंगे। उक्त संस्थानों द्वारा डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भी सुविधाएं प्रदान कराई जाएंगी।
विश्वविद्यालय में एक कार्यकारी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है जिसमें केंद्र द्वारा नियुक्त कुलपति समेत 15 सदस्य होंगे। किसके? कुलपति समेत, यानी कि कुलपति को मिलाकर 15 टोटल सदस्य होंगे। कुलपति कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष होगा, जो कुलपति होगा एक कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष होगा। ठीक है, एक बात और आपको बता दूं यहां कि आपको लगता है कि कोई शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वैसे तो याद रखिए मैं यहाँ उस शब्द की परिभाषा पूरी नहीं बताने लायक हूँ, क्योंकि आप समझिए कि हमारे पास टाइम नहीं है उतना। तो इसके लिए इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, हर शब्द की आपको परिभाषा मालूम चल जाए। और आप अगर सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और फिर भी आपको शब्द की परिभाषा नहीं आ रही, तो देखिए क्लियर है, कड़वी सच्चाई है कि आप अपने अंदर झांक लीजिए और उठा लीजिए एनसीईआरटी, एक से दो बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको किसी कोचिंग में आपका कोई शब्द की परिभाषा नहीं सिखाएगा, और जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तब भी आपको बड़ी परेशानी, प्रॉब्लम होगी, समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी। तो आप लोग एनसीईआरटी को 2 से 4 बार, मैं तो कहता हूँ जितने अधिक बार हो सकते हैं, एक तरह से घोर के पी जाइएगा। हम लोगों ने भी आपकी एनसीईआरटी कवर करवा दी है आपकी, ठीक है, और नोट्स बनाकर भी आपकी एनसीईआरटी कवर कर सकता था, लेकिन नहीं करवाई है, आपकी पूरी बुक्स को लेकर पढ़ाया गया है। क्यों? क्योंकि आप देखें तो नोट्स का मतलब क्या हो, आप अगर क्रियाकलाप कर रहे हैं कोई, आपको नोट्स में बता दूंगा कि ऐसा ऐसा होता है, कहाँ होगा, समझ में आएगा? इसलिए जो एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे सामने लिख रहेगी, तो मुझे लगता है उसमें ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, हमारे नोट्स हम बनाएंगे, आपको समझ में आएंगे? कभी नहीं हो सकता है। तो अपने नोट्स स्वयं बनाना है, पहले एनसीईआरटी को आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद जो पढ़ना है, जो उसमें बताया गया है पढ़ने लायक, उसे हम लोगों ने बताया है। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में पेश किया गया और लोकसभा द्वारा 4 मार्च 2020 को, राज्यसभा द्वारा 13 मार्च 2020 को इसे पारित कर दिया गया। याद रखिए अभी दोनों लगभग आपके देखते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इनके पास कुल बहुमत है, तो इसलिए जल्दी आप देख रहे हैं कोई भी विधेयक आता है पास हो जाता है, क्योंकि लोकसभा में इनका बहुमत है, राज्यसभा में ये जुगाड़ कर लेते हैं। ठीक है, 17 मार्च 2020 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अधिनियम बना है, तो 17 मार्च को राष्ट्रपति साहब ने भी सहमति दे दी। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र प्रदान करना है, और विवादों से विश्वास योजना का उल्लेख वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वर्ष 2020-21 के बजट में किया था। अधिनियम में समाधान प्रक्रिया का प्रावधान है कि जिसके अंतर्गत अपीलार्थी लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों का समाधान शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकरण में घोषणा दायर कर सकता है। इस घोषणा के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकरण अपीलार्थी द्वारा देय राशि निर्धारित कर सकता है। साथ ही घोषणा प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर एक प्रमाण पत्र देगा जिसमें देय राशि का विवरण होगा। प्रमाण पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उक्त राशि भुगतान करना होगा। आयकर आयुक्त तो से ऊपर के रैंक के किसी अधिकारी को प्रधान मुख्य आयुक्त प्रस्तावित समाधान प्रबंधन प्रक्रिया के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी बना सकेगा। अब बात करते हैं हम लोग खनिज विधि संशोधन अधिनियम 2020। आप समझिए कि 2019 और 2020 में बहुत कुछ संशोधन हुआ है। मैंने बताया ना कि जब से आप सरकार को दूसरी बार आपने बहुमत दिया है, तगड़े से बहुमत दिया है, तो सरकार भी तगड़े से फैसले ले रही है, समझ रहे? भारतीय कोयला खनन क्षेत्र में कारोबार को सुगम बनाने के लिए संसद द्वारा खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। यह खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 और कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 में संशोधन करेगी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो 1957 का खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम था, इसमें भी संशोधन करेगी, और जो 2015 का कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम था, इसमें भी संशोधन करेगी। 13 मार्च 2020 को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद खनिज विधि संशोधन विधेयक अधिनियम बना है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा खनिज विधि संशोधन अध्यादेश 2020 को प्रतिस्थापित किया गया है, जो 10 जनवरी 2020 से प्रभाव में था। अधिनियम द्वारा ऐसी कंपनियों जिनके भारत में खनन का अनुभव नहीं है, उन कंपनियों के लिए भी कोयले या लिग्नाइट ब्लॉकों की नीलामी में भाग लेने की छूट प्रदान की गई है। अधिनियम एक नए प्रकार के लाइसेंस का प्रस्ताव करता है जिसे पूर्वेक्षण
सह खनन पट्टा कहा जाएगा। यह पूर्वेक्षण और खनन गतिविधियों दोनों के लिए एक समग्र लाइसेंस होगा। खदानों, ब्लॉकों के पट्टे की अवधि की समाप्ति के पहले ही राज्य सरकारों द्वारा यह नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाए सकेगी। ठीक है, नए बोलीकर्ताओं को वैधानिक मंजूरियों का हस्तांतरण 2 वर्ष के लिए स्वतः हो जाएगा और इसके बाद ही अवधि के लिए आवेदन किया जा सकेगा। आवंटन अवधि खत्म होने के बाद खदानों को नीलामी या आवंटन के जरिए दोबारा आवंटित किया जा सकेगा। कुछ मामलों में कोयला और लिग्नाइट खनन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। अब बात करेंगे इंटरनेट के जरिए मौलिक अधिकारों के अभ्यास का अधिकार। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के में अनुच्छेद 370 को उत्सादित किए जाने के बाद, यानी कि खत्म किए जाने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में विभिन्न संचार माध्यमों जैसे मोबाइल फोन नेटवर्क, इंटरनेट सेवाएं, लैंडलाइन कनेक्टिविटी इत्यादि की सेवाएं बंद कर दी गई थी और कई अन्य प्रतिबंध भी लागू किए गए थे जम्मू कश्मीर में। इन प्रतिबंधों को लेकर कश्मीर टाइम की संपादक अनुराधा भासीन और एवं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की ओर से उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी और याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न संचार माध्यमों पर रोक को व्यक्ति के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के उल्लंघन की संज्ञा दी गई थी। साथ ही इसे किसी पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करार दिया गया था। तो 10 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट सेवा के निलंबन पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए अपने फैसले में इंटरनेट के जरिए अभिव्यक्ति और व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन को मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल माना है। आप समझिए, मैं भी इस बात पर तो मैं भी सहमत हूँ कि देखिए, मौलिक अधिकार हमारा, इंटरनेट भी हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए कि हमें इंटरनेट का, आप सोचिए कि आप कहीं भी रह रहे हैं, एक तरह से आज मेरा इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो मैं, आप लोगों से कनेक्टिविटी मेरी टूट जाएगी, समझ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, एक तरह से आप सोच सकते हैं। तो ये भी हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए, समझ। तो जम्मू कश्मीर में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5(2) के तहत इंटरनेट सेवाओं को निलंबन के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने की थी, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति NV रमना, इस तरह के नाम याद रखा करिएगा, किसकी अध्यक्षता में, न्यायमूर्ति NV रमना ने की थी। ठीक है, पीठ के अन्य सदस्यों में बात करें तो न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति BR गवई शामिल थे। इन तीनों नामों को याद रखिए, पूछ लेगा कई बार। पीठ ने कहा है कि हम घोषणा करते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कोई भी व्यक्ति उपजीविका व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता को संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 19(1) का तथा अनुच्छेद 19(1)(6) के तहत संविधानिक संरक्षण प्राप्त है। इस तरह के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 19(2) और 19(6) के तहत होना चाहिए। ऐसा करते समय अनुपातिक सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि शिक्षा को और स्वास्थ्य को भी हमारे मौलिक अधिकार में जोड़ देना चाहिए, समझ रहे हैं। शिक्षा का मौलिक अधिकार आपको मिला हुआ है 21 का के तहत। आप जानते हैं कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था तब, लेकिन अभी भी हमें पूरी तरह से ये नहीं मिल पा रहा है, लागू होना चाहिए। अभी आप देखते हैं कि आप अगर अमीर हैं तो आप विदेश में जाकर करवा लेते हैं इलाज, और आप गरीब हैं तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में पड़े पड़े चल बसते हैं। तो हमारे देश में भी इस तरह की, या तो वहनीय है यानी कि सब वहन कर सकें, क्रय कर सकें, इस तरह की व्यवस्था हो, या बिल्कुल फ्री हो, मैं तो कहता हूँ ठीक है, लेकिन फ्री एक तरह से संभव नहीं हो सकती है, तो कम से कम वहनीय तो होनी चाहिए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से पूर्व सितंबर 2019 में केरल उच्च न्यायालय ने भी फाइमा सेरेन आरके बनाम केरल राज्य और अन्य मामलों में इंटरनेट तक पहुंच को संविधान के अनुच्छेद 21(1) के तहत नागरिकों की शिक्षा के मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार में शामिल माना है। तो अब आपका आर्टिकल जो इंटरनेट है, इसे भी एक तरह से आप कहिए कि क्या मान लिया गया है, मौलिक अधिकार। अब बात करते हैं सुखना झील को कानूनी इकाई का दर्जा। सुखना झील 2008 में दक्षिण अमेरिका देश इक्वाडोर अपने संविधान में प्रकृति के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश था। कौन सा? इक्वाडोर। न्यूजीलैंड द्वारा भी बयान गानोई नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया गया था। पूर्व में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा गंगा और यमुना नदियों को कानूनी इकाई घोषित किया गया था। हालांकि बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निर्णय को रोक लगा दी गई थी।
और 2019 में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने कि न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने हरियाणा में जानवरों को कानूनी इकाई का दर्जा प्रदान किया गया है, तो सुखना झील को भी कानूनी इकाई का दर्जा दिया गया है। ठीक है, मार्च 2020 में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सुखना झील को जीवित इकाई घोषित किया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राजीव शर्मा और हरिंदर सिंह सिद्धू ने यह निर्णय वर्ष 2009 की एक याचिका पर सुनवाई के बाद किया है। झील के अस्तित्व को बचाने के लिए संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के सभी नागरिकों को झील का लोको पेरेंटिस माता पिता की तरह घोषित किया है। इसके अलावा झील के जलग्रहण क्षेत्र में नए निर्माण पर पूरी तरह प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। सुखना झील अस्तित्व संरक्षण हेतु एक कानूनी इकाई कानूनी व्यक्ति होगी, समझ रहे हैं, यानी कि झील को भी कानून व्यक्ति मान लिया गया। चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि वह आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत इसे आर्द्रभूमि घोषित करे, और पंजाब और हरियाणा सरकार को भी ऐसी अधिसूचना जारी करने को निर्देशित किया गया है। न्यायालय ने सुखना जल ग्रहण क्षेत्र को क्षति पहुंचाने के लिए पंजाब हरियाणा पर 100 करोड़ रुपए, प्रत्येक पर कितने 100 100 करोड़ रुपए, दोनों पर पंजाब और हरियाणा पर जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देशित किया गया है कि सुखना झील वन्य जीव अभयारण्य की सीमा से कम 1 किलोमीटर क्षेत्र की पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करे। चंडीगढ़ में स्थित सुखना झील का निर्माण वर्ष 1958 में प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूसियर द्वारा किया गया था। ठीक है, 1958 में वास्तुकार ली कार्बूसियर द्वारा। आगे बात करते हैं हम लोग, हिमालय की तलहटी में 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत यह झील शिवालिक पहाड़ियों से नीचे आने वाली एक बरसाती जल स्रोत सुखना चो पर बांध बनाकर तैयार की गई है। ठीक है, फिर आपने देखा है कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन अधिनियम 2019, तो जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में मारे गए या फिर घायल हुए लोगों की स्मृति में एक राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण का प्रावधान करता है। इसके अलावा यह राष्ट्रीय स्मारक के प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट के सृजन का प्रस्ताव भी करता है। तो आपने देखा है 5 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2019 को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 में संशोधन करना है। जो 1951 का था ना अधिनियम, इसमें संशोधन करना एक तरह से इसका मेन उद्देश्य है। यह अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को ट्रस्टी से हटाने के लिए प्रावधान करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी अध्यक्ष होगा उसे अब इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। पहले इसका क्या हुआ करता था कि इस ट्रस्टी का अध्यक्ष हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था, यानी कि इसमें शामिल था। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट करता है कि जब लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं होता तो उस स्थिति में लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता ट्रस्टी होगा। 16वीं 17वीं लोकसभा में आपने देखा कि किसी को इतनी सीटें नहीं मिली हुई को वो विपक्ष का नेता बन सके, तो इस समय आप देखते हैं विपक्ष का नेता कोई नहीं है। अधिनियम 1951 के अंतर्गत ट्रस्टी के रूप में एकल राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। संशोधन द्वारा ट्रस्ट से दल विशेष का सदस्य को हटाया जाना इसे गैर राजनीतिक बनाता है। संशोधन द्वारा ट्रस्ट में विपक्षी पार्टी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। फिर आपने देखा है ई सिगरेट निषेध अधिनियम 2019। एक तरह से आप समझिए, पहले सिगरेट की बात की जाती थी, फिर उस पर प्रतिबंध लगाया गया तो ई सिगरेट आ गई, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आ गई, तो ये भी एक तरह से आदत बनती जा रही थी लोगों के लिए, तो इस पर भी एक तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए ये अधिनियम लाया गया। यह अधिनियम ई सिगरेट के उत्पादन व्यापार और भंडारण विज्ञापन परिवहन परिवहन बिक्री आदि का प्रतिबंध लगाता है। ई सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो तरल निकोटिंग और अन्य फ्लेवर्स के मिश्रण को गर्म करके वाष्प पैदा करता है। कुछ समय आप लोग सुनते भी थे कि कोई बच्चा अपने बाप के सामने भी पीता रहता था, बोलता था ये तो ई सिगरेट है, ये तो एक तरह से आप कहिए कि उससे कम हानिकारक है, लेकिन हानिकारक तो है, निकोटिन इसमें भी उपयोग हो रहा है, अन्य फ्लेवर्स भी इसमें उपयोग किए जा रहे हैं। और एक तरह से आप समझिए कि सही है या गलत नहीं, ये मायने नहीं रखता है, आदत बन जाती है, समझ रहे हैं आप लोग। फिर आप देखेंगे 5 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उपरांत ई सिगरेट निषेध विधेयक अधिनियम बना है। ई सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 18 सितंबर 2019
19 को जारी अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा। पहले अध्यादेश आया था, बाद में ये पास होके बन चुका है अधिनियम। यह अधिनियम 18 सितंबर 2019 से ही प्रभावी माना जाएगा, ठीक है, जब से अध्यादेश आया था। इसके प्रावधानों को उल्लंघन करने पर 1 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है। एक से अधिक बार इसका उल्लंघन करने पर 3 वर्ष तक का कारावास और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान। ई सिगरेट का भंडारण करने पर 6 महीने का कारावास या फिर 50,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं आप, ठीक है। 18 सितंबर 2019 से ई सिगरेट का स्टॉक रखने वालों को इसकी घोषणा करनी होगी और इसे प्राधिकृत अधिकारी के निकटवर्ती कार्यालय में जमा करना होगा। उल्लेखनीय है कि भारत ने WHO फेमबर्ग कन्वेंशन ऑफ टोबेको कंट्रोल पर हस्ताक्षर भी किए हुए हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि WHO फेमबर्ग कन्वेंशन ऑन टोबेको पर का सदस्य है, भारत ने हस्ताक्षर किए या नहीं, तो आपको बता देना। हाँ, और वैसे याद रखिए जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में मैंने विस्तार से बता चुका हूँ। WHO के बारे में बताऊं तो 7 अप्रैल आप जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके देखते हैं संगठन से हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपके सभी संगठनों को कंप्लीट करवा दिया गया है और कोई संगठन अगर छूटा है तो आप बताइएगा, उसे भी हम लोग कवर कर लेंगे। महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई, उसी में डले हुए। पर आपने देखा है दादरा और नागर हवेली तथा दमन और द्वीप संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019। आप लोगों को मालूम था कि पहले आपने देखा है कि 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बना के 9 हो चुके थे, 28 आपके राज्य बचे हुए थे, लेकिन दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप को एक करके अब आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 आपकी राज्य, ठीक है। केंद्र सरकार ने दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप संघ राज्य क्षेत्रों का आपस में विलय करने हेतु एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया, जिसने संसद द्वारा पारित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान किए जाने के पश्चात अधिनियम का रूप ग्रहण कर लिया है। राष्ट्रपति द्वारा 9 दिसंबर 2019 को दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप संघ राज्य क्षेत्रों का विलय विधेयक 2019 को सहमति प्रदान किए जाने के पश्चात यह अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो गया है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप संघराज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 के उपबंध 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गए। कब से? 26 जनवरी 2020 से। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप की राजधानी के रूप में दमन दमन को निर्दिष्ट किया गया है। इनकी सबकी राजधानी क्या होगी? दमन। इस अधिनियम के द्वारा संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन भी किया गया है। आप सभी जानते हैं कि जब राज्यों का मिलाया जाता है या बनाया जाते हैं तो पहली अनुसूची में संशोधन होता है। वर्तमान यानी कि अभी तक बात करूं आपकी सितंबर 2020 तक तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। आगे बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, तो करंट से जुड़े रहिए। इसलिए तो आपसे बोला जाता है कि एक न्यूज़पेपर आप लोग फॉलो करिए हमेशा। अधिनियम 2019 के अनुसार दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लोकसभा के 2 स्थान आवंटित किए गए, यानी कि लोकसभा सीटों की बात। अधिनियम 2019 के अनुसार दादर और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप संघ राज्य क्षेत्र बॉम्बे उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत अंतर्गत रहेगा। किसके? बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत, ये भी पूछ लेता है। अब है आपका सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019। भारत में व्यावसायिक सरोगेसी को वर्ष 2002 में विधिक मान्यता दी गई थी। हालांकि वर्ष 2015 में एक सरकारी अधिसूचना के द्वारा भारत में विदेशी दंपतियों हेतु सरोगेसी को प्रतिबंधित कर दिया गया था और भारत के विधि आयोग ने अपनी 228वीं रिपोर्ट में व्यवसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की थी। 228वीं रिपोर्ट में एक बार एक तरह से सीधा सा कह सकते हैं कि किराए की कोख, आप कहिए किराए की कोख ली जाती है एक तरह से बच्चे को जन्म दिलाने के लिए, ठीक है। तो 21 नवंबर 2019 को इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को विचारार्थ सौंप दिया गया था। और आप जानते हैं भारत में गरीबी है, इसलिए कोई भी इस तरह के लफड़े में यात्रा इस तरह की कामों में संलग्न भी हो जाता है। कोई किसी को 2-4 लाख दीजिए आप लोग, वो आराम से तैयार भी हो जाएगा। तो इस तरह से व्यापार भी इसका बढ़ेगा, इसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया। और विदेशी आप देखते हैं अधिकतर विदेशी चाहते हैं कि
मतलब कि इस तरह की कोई सरोगेसी बच्चा मिल जाए, यानी कि सरोगेसी माँ किसी बच्चे को जन्म दे के दे दे। तो इसे पूर्व 5 अगस्त 2019 को लोकसभा द्वारा सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 पारित किया कर दिया गया। इस विधेयक में शामिल विभिन्न प्रावधानों को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत विस्तृत किया जा रहा है। विधेयक सरोगेसी को एक ऐसी प्रथा के रूप में परिभाषित करता है जहां एक महिला किसी इच्छुक दंपत्ति के बच्चे को जन्म के पश्चात उन्हें सौंपने के इरादे से गर्भधारण करती है। विधेयक वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करता है लेकिन परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है। केंद्र एवं राज्य सरकारें क्रमशः राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्य सरोगेसी बोर्ड का गठन करेगी। सरोगेसी प्रक्रियाओं से पैदा हुआ बच्चा इच्छुक दंपत्ति का जैविक बच्चा माना जाएगा। एक बात और आपको बताऊं, इसमें आप सोचिए कि ना तो महिला का अंडाणु लिया जाता है ओवम, और ना ही मतलब उस महिला का, समझ रहे हैं, जो इस तरह का बच्चा चाहता है, जो इच्छुक है, वो अपना क्या है कि उसका शुक्राणु और उसी मतलब किसी भी का इस तरह से आप कहिए कि जीवा ओवम यानी कि अंडाणु वही रहेगा। इस महिला में एक तरह से उसका को किराए पर लिया जा रहा है। सीधा सा कहने का मतलब कि आप उदाहरण लेकर कोई समझ सकते हैं, ऐसा कि आप फसल खरीद रहे हैं, ठीक है, आप देखते हैं वेयर हाउस बनाए जाते हैं गलत। देखिए मेरा उदाहरण समझाने का सीधा सा आपको समझ में आने लायक ऐसा उदाहरण दे रहा हूं, इसे गलत तरीके से मत समझिए, ठीक है, और ना ही कोई किसी को नीचा दिखाना मेरा उद्देश्य रहता है कभी भी। तो आप देखते हैं कि आप लोग क्या कहते हैं, वेयर हाउसिंग में अपना जो भी सामान खरीदते हैं उसे रख दे देते हैं। तो इसी तरह से मानिए आप लोग कि काम किया जा रहा है, मैं किसी माँ को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, किसी भी महिला को, ठीक है, सबका सम्मान करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है। फिर आपने देखा है कि अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, और आप जानते हैं कि राम मंदिर की नींव भी रख चुकी है, प्रधानमंत्री साहब गए थे ना 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अयोध्या की विवाद भूमि के मामले पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। पीठ ने विवाद जमीन पर रामलला विराजमान का माना है। साथ ही मुस्लिम पक्ष सुन्नी सेंट्रल बोर्ड वक्फ बोर्ड को अयोध्या शहर में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश भी दिया है। तो ये 9 नवंबर 2019 को आया था, इस डेट को भी याद रखना। इसमें 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस पर निर्णय दिया है। एक तरह से आप कहिए कि सौहार्दपूर्ण संबंध रखने के लिए, आप सोचिए कि मुस्लिमों का भी इसमें पक्ष लिया गया है और 5 एकड़ उन्हें भी जमीन दे दी गई है कि लीजिए आप भी बनाइए। तो एक पूरे सर्वोच्च, आप देख भी रहे हैं वैसे भी देश में, कि मुझे नहीं लगता है कि कहीं ज्यादा विरोध हुआ है। याद रखिए इस तरह के विरोध क्या करते हैं कि यही राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी, वोट बैंक की रोटी सेंकने के लिए ही करते हैं, वरना हम में, आप सोचिए कि अभी आप कई पिक्चर्स ऐसे देखते हैं कि बड़े बड़े नेता मुस्लिमों के साथ या बड़े बड़े मुस्लिम नेता इन हिंदू नेताओं के साथ उठ बैठ रहे, चाय पी रहे। यहाँ जनता में हमारा एक तरह से हम लोगों में नफरत भर दी गई है कि हमारा बच्चा पड़ोसी से नफरत करने लगे, ठीक है। तो इस तरह के लफड़ों में मत बीदा करिएगा, मैं तो कहता हूं इंसानियत निभाया करिएगा, सबसे सर्वोपरि इंसानियत। देखिए आपका हमारा जीना एक समय है, लिमिट है, हो सकता है कि 10 साल 20 साल, हो सकता है आज ही चल बसा हूं, लेकिन हमारा जो स्वभाव रहेगा इंसानियत रहेगी, ये हमेशा याद रखिएगा। इंसान की उम्र होती है 100 से 150 साल, आपकी हो सकता है 200 साल हो, लेकिन उसके बाद आप जाने के बाद कौन याद रखता है, कुत्ता नहीं पूछता है किसी को। तो आपके इस व्यवहार, अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो ही आपको पूछा जाता है। तो बड़े अच्छे से इंसानियत निभाइए, कोई घमंड फमंड नहीं चलता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है मिट्टी में मिलते हुए कि देर नहीं लगती है, और किसी की जिंदगी से मत खेलिए, किसी के साथ बुरा मत खेलिए, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि जब ऊपर वाला या इस तरह की परिस्थिति आती है कि कोई काम नहीं आता है, ठीक है, तो एक तरह से व्यवहार रखिए और सबको साथ लेकर काम करिए। इसमें 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 6 अगस्त 2019 से 16 अक्टूबर 2019 तक 41 दिनों तक इस मामले पर प्रतिदिन कार्य दिवस पर सुनवाई की है, ठीक है। तो 41 दिनों तक ये कार्रवाई चली थी, ठीक है, 6 अगस्त 2019 से 16 अक्टूबर 2019 तक। इस संविधान पीठ में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के साथ जस्टिस SS बोबड़े जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, DY चंद्रचूड़ और अशोक भूषण और SS नजीर शामिल थे। तो इन सभी को याद रखना है, पूछ लेगा ये कई बार। तो जो उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई, और जो अभी न्यायाधीश हैं SK SA बोबड़े और DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण और SA नाजीर शामिल थे 5 लोग। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई के दिनों के आधार पर यह दूसरा सबसे लंबा केस है। इससे पूर्व आप देखते हैं कि उच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने
वर्ष 1973-72-73 में केशवा नंद भारती और अन्य बनाम केरल राज्य मामले की सुनवाई 68 दिनों तक चली थी, 41 दिनों तक चली। और जो केशवानंद भारती केस था, आप जानते हैं कि एक तरह से संविधान को हमारी मजबूती प्रदान की है, इसमें 68 दिनों तक चली थी, 13 सदस्यीय पीठ थी, संविधान पीठ। कई लोगों का ये भी कहना है कि 13 सर इसमें 13 क्यों लिए जाते हैं, 11 क्यों लिए जाते हैं, 9 क्यों लिए जाते हैं, 7 क्यों लिए जाते हैं, 5 क्यों लिए जाते हैं, 6 क्यों नहीं लिए जाते हैं, 12 क्यों नहीं लिए जाते हैं, 10 क्यों नहीं लिए जाते हैं? तो आप समझिए कि अगर 13 की जगह हम लोग 12 रख लीजिए, तो 12 में से 6 इस पक्ष में हो गए, 6 उस पक्ष में हो गए, कोई निर्णय का निष्कर्ष निकलेगा? कोई नहीं। लेकिन 13 को अगर आप ले रहे हैं तो कम से कम 7 तो एक पक्ष में रहेंगे, फिर चाहे वो कोई भी पक्ष रहा हो, तो कम से कम निर्णय तो निकलता है, इसलिए एक विषम संख्या रखी जाती है, ठीक है, सम नहीं रखते हैं। इससे पूर्व अयोध्या विवाद के समाधान हेतु 3 सदस्यीय मध्यस्थता पैनल का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे पूर्व न्यायाधीश MFMI कलीफुल्ला, और सदस्यों में श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ एडवोकेट श्री राम पंचू। ये जो पहली मध्यस्थता की बात की जा रही थी, तो ये 3 सदस्यीय पीठ थी, पैनल था, जिसमें आपके पूर्व अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश MFMI कलीफुल्ला थे, और सदस्यों में श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ एडवोकेट श्री राम पंचू थे। लेकिन इनका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो आपने देखा है फिर सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना पड़ा। और याद रखिए, अभी आपने देखा है केशवानंद भारती, इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, आलमी। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की भी बात कर लेते हैं, यह भी चर्चा में रहा। वैसे आपकी पुरानी क्लास में हम लोगों ने जो 2019 में खत्म की थी उसे पढ़ लिया था, फिर भी आप पढ़ लीजिए क्या जाता है। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो नए संघ राज्य क्षेत्रों दो नए रंग राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के रूप में विभाजित किया गया है। इस विधेयक को प्रस्तुत करने के पहले गृह मंत्री ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित आदेश सदन में प्रस्तुत किया। इस आदेश के अनुसार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 एक खंड को छोड़कर, ठीक है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, एक खंड अभी भी है, अनुच्छेद 35A के उत्सादित या निरसित कर दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370(1)(d) के तहत एक राष्ट्रपति ने यह संविधानिक आदेश निकाला है। इस पद का नाम द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 था, इसे इसलिए आपका 370(1)(d) को रखा गया है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 अंतिम रूप से लागू हुआ। तो याद रखिए, इसे अभी याद रखिए, ये पूरी तरह से अधिनियम कब लागू हुआ, 31 अक्टूबर 2019 से। इस अधिनियम के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य के अब दो हिस्से कर दिए गए हैं। इन दोनों हिस्सों को दो अलग अलग संघराज्य क्षेत्र बना दिया गया है। पहला संघराज्य क्षेत्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 339(a) के अनुसार जम्मू कश्मीर, और दूसरा संघराज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 के अनुसार लद्दाख। तो याद रखिए, 239 में लद्दाख है आपका, और 239(a) इसमें आपका जम्मू कश्मीर। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, तो अंडमान निकोबार की तरह एक संघ राज्य क्षेत्र होगा, समझ रहे, और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल होगा यहाँ, जो वहां का शासन चलाएगा। 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर हैं, जबकि संघ राज्य जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू थे, और वर्तमान में मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने। तो पहले पहले को इन्हें याद रखिए, क्योंकि कई बार पूछ लेगा कि जब जम्मू कश्मीर को कई दो भागों में बांटा गया, उस समय लद्दाख के गवर्नर कौन बनाए गए थे, या पूछ लेगा जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन बनाए गए थे, तो लद्दाख के थे कौन, राधा कृष्ण माथुर, और जम्मू के कौन थे, जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू। लेकिन इन्होंने आपने देखा है कुछ समय पहले हट गए हैं, और वर्तमान में कौन है, मनोज सिन्हा। यानी कि कहने का मतलब है कि सितंबर 2020 में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस समय मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, ठीक है, आगे बदलते रहेंगे। लेकिन प्रथम क्या रहता है कि एक जीके का क्वेश्चन बन जाता है, और वो हमेशा बना रहता है, इसलिए याद रखना होता है। आप लोग कहते हैं ना कि जम्मू इस राज्य का कौन सा पहला राज्यपाल कौन था, इस तरह का। जम्मू कश्मीर की को विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। यहाँ से राज्यसभा की 4 सीटें निर्धारित की गई है, जो जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य होने के समय भी थी। जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा की
5 सीटें निर्धारित की गई हैं और लद्दाख के लिए लोकसभा की एक सीट निर्धारित की गई है। तो आप समझिए कि लोकसभा जम्मू कश्मीर के लिए कितनी, 5, और लद्दाख के लिए 1। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, पहले आप देखते थे कि 6 वर्ष काल हुआ करता था। लेकिन अब सीधी सी बात याद रखिए आप लोग कि वो सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे जो देश के अन्य हिस्सों में होते हैं, अब कोई भेदभाव नहीं होगा। संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 107, जिन्हें परिवेशन के परिसीमन के बाद बढ़ाकर 114 किए जाने का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए, यानी कि जो पीओके है ना हमारा हिस्सा, तो उसके लिए छोड़ रखी जाएंगी। बाकी 2 सीटों वहां के राज्यपाल द्वारा नामित की जा सकने वाली, इसमें राज्यपाल महिलाओं को नामित करता है, ठीक है। और इसके अलावा इस पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के आरक्षण के प्रावधान का लाभ दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके पहले यहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, समझ रहे हैं आप लोग, लेकिन अब ऐसी कर दी गई। केंद्र सरकार ने इन दो नए संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य की संपत्तियों एवं ऋणों के विवरण के माध्यम मामले के अवलोकन हेतु पूर्व रक्षा सचिव संजय मित्रा की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इससे जो भी परिसंपत्तियां हैं, समितियां हैं, बंटवारा कर सके। तो ये कहानी है आपकी जम्मू कश्मीर विभाजन की, ठीक है। अब बात करते हैं कराधान विधि संशोधन अधिनियम 2019। आयकर आयकर अधिनियम 2019 आयकर विधि संशोधन अधिनियम 2019 आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2019 में संशोधन के लिए कराधान विधि यानी कि संशोधन अधिनियम 2019 संसद द्वारा पारित किया गया है। यह पूंजीगत लाभ से होने वाले आय पर अधिकार अधिभार लगाने के कुछ प्रावधानों को भी संशोधित करता है। क्या करता है? संशोधित करता है। और यह अधिनियम कराधान विधि संशोधन अध्यादेश 2019 को प्रतिस्थापित करेगा। 20 सितंबर 2019 की तिथि से कराधान विधि संशोधन अधिनियम 2019 लागू माना जाएगा, जब से अध्यादेश आया था। अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। 400 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाली घरेलू कंपनियों जो 25% की दर से आयकर चुकाती हैं, आयकर अधिनियम के तहत कुछ कटौती का दावा नहीं करती हैं, तो उनके पास 22% की दर से कर चुकाने का विकल्प होगा, ठीक है। 1 अक्टूबर 2019 को या उसके बाद पंजीकृत कंपनियां जो 31 मार्च 2023 को या पहले उत्पादन शुरू कर देंगी, ऐसी कंपनियां आयकर अधिनियम के तहत कुछ कटौती का दावा नहीं करती हैं तो 15% की दर से कर भुगतान का विकल्प चुन सकती हैं। वो अधिनियम द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है। कुछ आपके पॉइंट भी हैं, इसी भी देख लीजिए। बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को प्रख्यापित किया है 26 जून 2020 को। इस तरह के क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में डायरेक्ट बन जाते हैं, ठीक। दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन अध्यादेश प्रख्यापित किया गया कब? 5 जून 2020 को। अनिवार्य वस्तुएं संशोधन अध्यादेश 2020 को प्रख्यापित किया गया 5 जून 2020 को। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन अध्यादेश 2020 को प्रख्यापित किया गया 24 अप्रैल 2020 को। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है 25 मार्च 2020 को। आप देखिए कि सरकार ने कितने संशोधन किए हुए हैं। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन अध्यादेश 2020 को 24 अप्रैल 2020 को प्रख्यापित किया गया, इसके द्वारा संशोधन किया गया है भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 में। आप लोगों को और पढ़ना पड़ रहा है, उन्होंने सरकार ने तो बदल दिए हैं, पढ़ना तो आपको पड़ता है ना। संसद सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन अध्यादेश 2020 द्वारा सांसदों के मूल वेतन में कमी की गई है 30% की। सांसदों के मूल वेतन में यह कमी 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी रहेगी 1 वर्ष तक। 14 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दाखिल पुनर्याचिका को सौंप दिया है 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने। एक केरल का मामला है सबरीमाला, ठीक है। 13 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार आरटीआई के दायरे में शामिल है भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल, ठीक है। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है कुल 34 हो गई।
एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश अभी हैं, देखिए बढ़ते रहेंगे आगे, समझ रहे हैं आप लोग। 2 अक्टूबर 2019 को लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था हैदराबाद के निजाम के पक्ष में, ठीक है। भारतीय विमान पतन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत प्रमुख विमान पतनों को निर्दिष्ट करने के लिए वार्षिक यात्री यातायात की सीमा निर्धारित की गई। मई की गई कब? 35 लाख से अधिक की, 35 लाख से अधिक की। डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग एवं अनुपयोग विनियमन विधेयक 2019 द्वारा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर इसकी स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है डीएनए डेटा बैंक का। आधार और अन्य कानूनी संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इस कोष की स्थापना का प्रावधान किया गया है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकोष कोष का, ठीक है, यूआईडीआई डीएआई फंड का। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 के तहत 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्संग के लिए यानी कि बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान है मृत्यु दंड फांसी, समझे। इस अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वर्ग आयोग को संविधानिक दर्जा प्रदान किया करना है। संविधान 102वां संशोधन अधिनियम 2018 का, ठीक है। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गरीब सवर्णों को नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है 10%, ठीक है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान प्रभावी हुए 1 सितंबर 2019 से। तो इसमें याद रखिए कि 103वां संविधान संशोधन है ये जो गरीब सवर्ण है सामान्य वर्ग के लोग उन्हें 10% आरक्षण की बात करता है। 102वां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधानिक दर्जा प्रदान करने की बात करता है। तो ये था आपका क्या विधिक परिदृश्य। तो आपका राष्ट्रीय परिदृश्य भी खत्म कर चुका हूं और विधिक परिदृश्य भी आपका कवर करवा चुका हूं। अब बचता है आपका क्या बचता है, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य उसे भी हम लोग आगे बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य बचता है, आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य, उत्तर प्रदेश विशेष भी देखेंगे, संक्षिप्तियां भी देखेंगे, खेल परिदृश्य भी देखेंगे। तो राष्ट्रीय परिदृश्य और विधिक परिदृश्य खत्म है, ठीक है।